रहमान रही तमाम मेरे मज़दूर भाई किसान भाइयों को नौजवान की आदत को मेरा सलाम हो और आज का प्रोग्राम है हमारा वज़ी अजम पाकिस्तान बहावलपुर तशरीफ़ ले आए हैं उसके हवाले से कुछ मैंने सोचा बे इस पर भी हम लोग हम वे लोग करना है और मैं भी उस दिन हम लोग भी बहावलपुर गुज़रते हमारा एक कोई काम था उसके बारे में हम लोग गए प्रोग्राम देखकर मुझे बहुत अफसोस हुआ ये इस मुल्क के साथ क्या हो रहा है मुल्क, भी, वो मुल्क है जो कर्जों पर चल रहा है ये लोग इस मुल्क के आ, मुल्क के साथ क्या मज़ाक कर रहे हैं उस आवाम के साथ क्या जुलम कर रहे हैं और कर्जों पर हम लोग चलने वाले लोग हैं टोटल हमारा निज़ाम हर पूरे पाकिस्तान को इल, इस चीज़ का इल्म है हमारे बहुत सीनियर लोग रोज़ाना इसके प्रोग्राम करते हैं और पूरी दुनिया जानती है हमारा पाकिस्तान का निज़ाम टोटल वो कर्ज़ों पर चल रहा है और हमारे इन हुक्मरानों के आप प्रोटोकॉल देख लें करोड़ों रुपए के प्रोटोकॉल होते हैं बहुत अफसोस का मकाम है और जो लोग ये कहते थे हम तब्दीली लिया कर आएंगे इन लोगों ने क्या खाक तब्दीली लिया है बहुत अफसोस हुआ है और मैं हम लोग ने जब प्रोग्राम देखा है और उनका करोड़ रुपए का बिल बने होंगे स्क्रीनें लगाई गई उन स्क्रीनों का मुझे हम दोस्तों ने ये सोच सोचते रहे भी इन स्क्रीनों से क्या फ़ायदा हुआ वज़ी अजम को ये स्क्रीनें जो लगाई गई थी चौक फारे यानी कि काफ़ी लंबा एरिया था स्क्रीनें लगी हुई थी उनका पज़ी अजम से क्या लेना देना था कितने अफसोस का मकाम है हमारे ख़जानों का ऐसा लूटा जा रहा है इब्तदा से लेकर आज तक किसी को कि दर्द नहीं है और बातें हम लोग सब क्या करते हैं दर्द किसी को नहीं है ओ भाई अवाम आपकी भूख से मार रही है आप कैसे काम कर रहे हैं और हमारे एक एक वजीर पर लाख करोड़ रुपए का खर्च है और बड़े बड़े अफसरों पर करोड़ रुपए के खर्च है क्या जरूरत है यार वो सादगी इस्तेमाल करें सादगी से सारे लोग आ, करें तो इनशा हमारा पैसा काफ़ी खजाने है इनशाला भर जाएंगे ओ भाई सादगी आप इस्तेमाल नहीं करते खजान कर्ज़ों पर हम चल रहे हैं और आपके खर्चे देख रहे हैं सर क्या आवाम के ऊपर आप खर्च कर रहे हैं आप जो इतने कर्ज लोग ले रहे हैं पाकिस्तान के नाम ओ भाई आप कौम को तो कुछ नहीं दिया ना कौम तो बेचारी पहले भी भूख बहुत परेशान लोग थे अब भी आपके दौर में तो वैसे लोग बहुत परेशान हैं ओ भाई अवाम के साथ मजाक ना करें खुदारा बहुत कुछ तुम लोगों ने कर लिया ना करें मजाक ये कौम आपको माफ नहीं करेगी मैं अपने नौजवान तबके से भी अपील करता हूं आप अपने गरीब दोस्तों के आगे लेकर आए ये बड़े जो लोग हैं ओ भाई इनको तो प्रोटोकॉल चाहिए जब ये घरों में होते हैं तो इनको कोई कुछ नहीं करते इनको कोई डर नहीं होता कोई फिक्र नहीं होती जब ये ए, इनको कोई वजारत मिल जाती है इनके लिए बहुत खतरा शुरू हो जाते हैं बहुत अफसोस है यार क्या हमारे साथ है ये लोग मजाक कर रहे हैं सिर्फ क्या लोगों को दिखाना ये एक खौफ दिलवाना होता है और भाई और जो बड़े हमारे अफसर भी हैं क्या ज़रूरत है उनको इतना प्रोटोकॉल देने के लिए वो सादगी इस्तेमाल करें हमारा देखें जिससे तो हमारा मुल्क इस वक्त किस स्टेज पे है वो अपनी मुल्क की, मुल्क की खातिर सोचें सर तमाम अपने इदारों से हम लोग अपील करते हैं अपने पाकिस्तान के लिए कुछ सोच लें सादगी इस्तेमाल करें ये प्रोटोकॉल हमारे मुल्क को इन प्रोटोकॉलों ने तबाह कर दिया है खुदा रहा हम अपील करते हैं खुदा का खौफ करें ये आपके आवाम को आपने कितनी देर तक जलील करना है और मैं अपील करता हूँ बार बार मेहरबानी करें इस कॉम के साथ मजाक करना बंद कर दें ये आपकी कौम रात दिन रात और दिन कमाने वाली ये कौम है इनके लिए आपने क्या कुछ क्या किया है क्या किया है इस कॉम को बताओ तो सही उस गरीब उस किसान को आप बताओ उस किसान को आपने क्या क्या दिया है सवाए जलालत के अलावा तो कुछ नहीं दिया और मैं इजाजत दूंगा पाकिस्तान जिंदाबाद